Next topic is the method of measuring elasticity of demand. Method of measuring elasticity of demand. There are two methods of measuring elasticity of demand one is a percentage method, second one is a geometric method. परसेंटेज मेथड है जी ये हमारा न्यूमेरिकली इम्पोर्टेंट होता है न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है ठीक है और ये हमारा जो है थियोटिकली इम्पोर्टेंट होता है जो परसेंटेज मेथड है फोर मार्क्स का आपके फाइनल में ये क्वेश्चन आता ही आता है इसका जो न्यूमेरिकल है वो आने ही आना होता है ठीक है तो दो मेथड है लासीसिटी ऑफ को मेजर करने का एक है परसेंटेज मेथड दूसरा है जियोमेट्रिक मेथड टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द परसेंटेज मेथड व्हाट इज़ द परसेंटेज मेथड परसेंटेज मेथड मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया है अगर परसेंटेज मेथड हो तो इन दोनों में से कोई भी आप फॉर्मूला लगा सकते हैं लेकिन अगर आपको पपोर्शनेट मेथड बोल दिया तो पर्टिकुलर आपको यही फार्मूला लगाना पड़ेगा ठीक है तो परसेंटेज मेथड अगर थ्योरी में आ जाए अगर बाई चांस थ्यूरी में आ जाए वैसे आता नहीं है अगर आ जाए तो कैसे लिखोगे इट इज अ इसमें क्या बनती है टेबल बनती है इट इज़ अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन टेबुलर रिप्रेजेंटेशन Which measures इलासिसिटी ऑफ डिमांड as follows इलासिसिटी ऑफ डिमांड as follows तो क्या फार्मूला है आपको पता ही है माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस और एक और फार्मूला होता है माइनस पी अपॉन क्यू चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी तो इसमें पी क्या हम इसको अब खोल देंगे इलास्टिस इसको क्या कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पी क्या है ओरिजिनल प्राइस ओरिजिनल प्राइस इसको एग्जिस्टिंग प्राइस भी कह सकते हैं ओरिजिनल प्राइस भी कहते हैं क्यू क्या है ओरिजिनल क्वांटिटी ओरिजिनल क्वान्टिटी चेंज इन क्यू क्या है चेंज इन क्वांटिटी चेंज इन क्वांटिटी चेंज इन पी क्या है चेंज इन प्राइस ओके तो ये हमारा परसेंटेज मेथड की थ्योरी हो गई लेकिन ये जो टॉपिक है वो आपका न्यूमेरिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका फोर मार्क्स का न्यूमेरिकल आपके पेपर में आता है और ये हमारा जो ज्योमेट्रिक मेथड है नेक्स्ट मेथड इज़ अ ज्योमेट्रिक मेथड ज्योमेट्रिक मेथड क्या होता है ज्योमेट्रिक मेथड में हमने क्या वहाँ पे इसमें क्या हमने टेबल बनाई थी जियोमेट्रिक मेथड, जियोमेट्रिक मेथड जियोमेट्रिक मेथड क्या है इसमें क्या हम ग्राफ से इसको बनाएंगे इट इज अ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, विच मेजर्स इलासिसिटी ऑफ डिमांड एज फॉलोस एज फॉलोस इसका फॉर्मूला हो गया लोअर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व लोअर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व अपॉन अपर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व ठीक है अब हम इसको कैसे निकालेंगे आपको पता है डिमांड कैसे चलती है लेफ्ट टू राइट यहाँ प्राइस यहाँ पर हमारा क्वांटिटी एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है लेफ्ट टू राइट ठीक है तो ये हमारी डिमांड होगी ये हमारा क्या है ई डी इज इक्वल टू जीरो क्या है ई डी इज इक्वल टू जीरो ये हमारा क्या है ई डी इज इक्वल टू इन्फिनिटी ये जीरो ये इन्फिनिटी सेंटर वाला वन सेंटर वाला वन वन के नीचे क्या होगा लेस देन वन वन के ऊपर मोर देन वन ठीक है अब हमें क्या है लर्न करना है कैसे भी कर सकते हैं इजी वे में करेंगे तो हम ऐसे लर्न लेंग कर लेना तो लास्ट सबसे नीचे वाला क्या है क्योंकि ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट में है तो ई डी जीरो है सबसे ऊपर वाला इन्फिनिटी, सेंटर वाला वन वन के नीचे लेस देन वन वन के ऊपर मोर देन वन तो ये हमारा इजी वे में हम लर्न कर सकते हैं तो ठीक है डीजिए क्या है ज़ीरो और ये वाला इन्फिनिटी सेंटर वाला वन वन के नीचे लेस देन वन वन के ऊपर मोर देन वन तो होते क्या है ई डी ज़ीरो ई डी जीरो क्या होता है ई डी लेस देन वन ई डी इज इक्वल टू वन इडी मोर देन वन ई डी इज इक्वल टू इनफिनिटी क्या क्या होते हैं देखिए इडी जीरो जो होता है वो क्या होता है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड इसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड ठीक है और ये हमारा क्या हो गया ये इन इलास्टिक है तो ये क्या होगा परफेक्टली जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे ही हमें इसको यहाँ पे लिखना है ताकि हमें लर्न करने में ईजी रहे ठीक है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड ये था इन इलास्टिक डिमांड ये था इलास्टिक डिमांड ये क्या है यूनिट वन यूनिट वन यूनिट्री हमने वन को यहाँ पे यूनिट ले रहे हैं ठीक है वन को हम क्या डिनोट करें यूनिट से यूनिट्री इलास्टिक डिमांड ये क्या था लेस देन वन तो लेस देन वन वन को हम क्या ले रहे हैं यूनिट तो लेस देन यूनिट इलास्टिक बोला जाएगा इसको ये क्या है मोर देन वन तो मोर देन वन मोर देन वन का मतलब वन को हम क्या ले रहे हैं यूनिट तो मोर देन यूनिट इलास्टिक यूनिट इलास्टिक और इसको सेकेंड एक और नाम भी बोला जाता है ये किसके पास है इन इलास्टिक के पास है तो इसको खाली इन इलास्टिक डिमांड भी कह सकते हैं ठीक है और ये जैसे ये खाली इलास्टिक के पास है तो इसको खाली इलास्टिक डिमांड भी कह सकते हैं ठीक है मोर देन यूनिट इलास्टिक इज ऑल्सो नोन एज द इलास्टिक डिमांड एंड लेस देन यूनिट इलास्टिक इज ऑल्सो नोन द इन इलास्टिक डिमांड दोबारा से एक बार करते हैं जोमेट्रिक मेथड है जोमेटिक मेथड में ग्राफ बनता है इट इज अ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जिसमें हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ऐसे निकालेंगे कैसे लोअर पोर्शन ऑफ डिमांड का अपॉन अपर पोर्शन ये कहीं भी फार्मूला यूज़ नहीं होता आपके प्रैक्टिकल पार्ट में बट ये है कि बस हाँ हमने इसमें जोमेटिक मेथड में लिखना पड़ता है ठीक है यहाँ पर क्या है ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है जिसमें क्या है यहाँ प्राइस है यहाँ हमारा क्वान्टिटी है यहाँ पर हमने डिमांड लेफ्ट टू राइट चलती है हम बस यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच कर देंगे ये जो है हमारा जीरो है ये हमारा क्या है इनफिनिटी सेंटर वाला वन ये लेस देन वन ये मोर देन वन ठीक है अब इसको बोलते क्या है ई जीरो को क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं आप सब साथ, साथ बोलेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड ये क्या है हमारा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इसमें वन को हम क्या ले रहे हैं unit. यूनिट तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड और ये लेस देन है वन है तो लेस देन यूनिट इलास्टिक ये है मोर देन वन तो मोर देन यूनिट इलास्टिक और खाली लेस देन यूनिट इलास्टिक को इन इलास्टिक डिमांड भी कहते हैं मोर देन यूनिट इलास्टिक को इलास्टिक डिमांड भी कहते हैं ठीक है